अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर डालडा घी से शुद्ध देसी घी तैयार करने वाली फैक्ट्री का अलीगढ़ पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किया गया। पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सारसौल क्षेत्र के साईं विहार से सोनू के मकान से मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्यवाही में 3 अभियुक्त सोनू, धर्मेंद्र व हनी उर्फ योगेश गिरफ्तार हुए तथा भारी मात्रा में अमूल संस्कार माधव तथा पारस ब्रांड के 1 किलो व 0.5 किलो की पैकिंग में बना हुआ पैक खाली डिब्बे पर अंदर की सिल्वर पैकिंग तथा फैक्ट्री का सामान चूल्हा, गैस, पैकिंग सामान व 25 कंटेनर रिफाइंडर व डालडा बरामद हुआ। नुकसान तो कर भी सकता है, कोई ऑयल भी मिला आपको? नहीं लगता कोई ऑयल नहीं मिलता सर, डालडा और रिफाइंड। आपको नहीं लगता आप जहर बेच रहे थे? बेच रहे हैं सर, जहर तो बेच ही रहे हैं। क्यों बेचते थे? कुछ ना, पेट के लिए। बनाने की फैक्ट्री एक मकान में पकड़ी गई है जिसमें जो रैपर है वो बकौल इनके दिल्ली से कहीं लाते हैं, जो 9 रुपये प्रति रैपर उसका दाम है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है देशी घी का जिसका रैपर इनके पास बरामद न हुआ हो और जिसका बना बनाया पैक्ड घी इनके पास बरामद न हुआ हो। सारे फेमस ब्रांड वो इनके पास है। उसमें जैसा ये बताते हैं कि उसमें वनस्पति घी जो है वो हाफ और हाफ उसमें रिफाइंड ऑयल ये मिला के, और उसमें करीब 1 चम्मच से 1.5 चम्मच इसका एसेंस जो हाथर से लिया है वो मिला के बॉयल करके जो भीतर की एल्यूमिनियम फॉयल होती है उसमें पैक करते हैं। 900 ग्राम का एक पैकेट ही बनाते हैं और उसको प्रेस, जो देसी अपना कपड़ा इस्त्री करने वाला प्रेस है उससे चिपका लेते हैं, और जो रेपर ले आते हैं उसमें इसको पैक कर लेते हैं कार्टून में बंद करके। ये जो छोटे सप्लायर हैं जो लोकल मार्केट में, यहाँ पर जो शहर के अलावा मार्केट है, जलाली में है, इस्पतारू में है, खैर में है, अजरौली में है, वहाँ ये सप्लाई कर देते हैं। मार्जिन इतना ज़्यादा है कि उस पर जो प्रिंटेड रेट है, यानी जो कस्टमर तक जो व्यक्ति देशी घी ले रहा है वो तो 550 रुपये में खरीद रहा है उसे, लेकिन ये उसको 110 रुपये में बेच रहे हैं। ये लगभग 3 चरणों से होके कस्टमर तक, यूज़र तक पहुँचता है। अभी इसकी सैंपल की जाँच के लिए FDI वाले सैंपल लेंगे और इसमें किस तरह का फैट है ये अभी कहना मुश्किल है, जांच के बाद ही ये सिद्ध होगा। क्योंकि अगर ये रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी मिलाएंगे तो वो कभी 110 रुपये में 1 किलो का पैकेट तैयार नहीं हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि इसमें जिसको ये रिफाइंड ऑयल कह रहे हैं वो कोई बहुत ही कम पैसे वाला, बहुत ही कम मूल्य का कोई और फैट पदार्थ है जो एनालिसिस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जहरीली हो सकती है? हो सकती है, ये तो जब होके आ जाए, जांच होके आ जाए। जैसे जब ये लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों ने बताया है कि और भी मतलब ये लोगों को सप्लाई देते हैं, अस्पताल का जहर बेच रहे हैं, तो पुलिस के इसमें और अभियान जिसमें देखिए, इन्होंने जहां जहां बेचा है वो सूची हमारे पास है। कल चूंकि वहां रेड के समय ही ये सूचना उन लोगों को पहुँच गई थी, हम लोगों ने जिन एक दो जगह प्रयास किया वहाँ से ये अपना ये जो सप्लाई किया हुआ सामान है वो हटा दिया था। हम इस पर बहुत ही गहराई से काम कर रहे हैं क्योंकि ये जहर की तरह बेच रहे हैं, और जो व्यक्ति इसको ईमानदारी से देशी घी समझ के इस्तेमाल कर रहा है वो ऑलमोस्ट जहर की श्रेणी में ये पदार्थ है इसको बेच रहा है। सर किन धाराओं में कौन से ब्रांड पकड़े गए? देखिए ब्रांड तो सारे हैं, कोई बचा नहीं है जिसका जो ब्रांड इसमें आज की तारीख में बाजार में मिलने वाला सभी ब्रांड, जिसमें जो नामचीन पास नामचीन ब्रांड हैं उनमें अमूल है, पारस है, माधव है, मधुसूदन है, अवसर है, परंपरा है और संस्कार है, इस तरह के सारे ब्रांड जो हैं जितने। किस तरह की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी? एक तो एडल्ट्रेशन की जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, कॉपीराइट एक्ट की जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, और इनको अभी फिलहाल उसमें 420 फर्जी दस्तावेज तैयार करने या कुप्रचित पैकेट तैयार करने उसकी धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा जब इसकी लैब रिपोर्ट आ जाएगी उसमें और भी जो अवयव पाए जाएंगे उस हिसाब से उसमें धाराओं में बढ़ोतरी करेंगे। रासुका की भी तैयारी है सर? रासुका की भी तैयारी बिल्कुल ऐसे व्यक्ति पे रासुका लगना चाहिए जो जहर परोस रहा है और लोगों के विश्वास को ठग रहा है। तैयारी करेगी पुलिस? बिल्कुल करेगी, अभी तो गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे उसके बाद हम इसकी भी तैयारी करेंगे। ठीक है। प्रेस से उसको वो कर रहा है, डालडा घी की कीमत भी 110 रुपये किलो से ज्यादा ही होगी, कितना डाल रहा है?